आवश्यक सूचना, खुले में मना है मूतना और ना तो इस वीडियो को बिना पूरा देखे फ्री फायर प्लेयर्स लाइक करेंगे और ना ही पबजी प्लेयर्स डिसलाइक करेंगे। तो गाइस ये बात उस दिन की है जिस दिन वो दिन था कि हम ऑफलाइन उतर रहे थे और अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस हम पढ़ रहे थे कमेंट और हमारे सामने आ जाता है ई वाला कमेंट, पबजी नूब हे। और फ्री फायर प्रो, उसके बाद जीभ निकाल के आंख बंद करके ही। और इसके बाद आता है अगला कमेंट, फ्री फायर खेल के दिखाओ। और अब यहाँ पे ऑफलाइन उतरने की वजह से वैसे एक चप्पड़ गंजू ने हमको मुक्के से मार के लॉबी में पहुँचा दिया। तो मैं सोच रहा था कि फ्री फायर खेलूं या फिर ना खेलूं, और तभी आ जाते हैं इतने सारे कमेंट, पबजी लाइट ही खेला करो, नॉट नहीं नोट अदर गेम। और फिर आता है कमेंट इंग्लिश की क्लास में लास्ट बेंच पर बैठ के इतिहास का सब्जेक्ट लिखने वाले भैया का, इंस्क्राइब्ड कर दूंगा अगर फ्री फायर का गेम प्ले आया तो। और गलत स्पेलिंग की वजह से मैं इस कमेंट को इग्नोर करने वाला था और तभी कमेंट आता है हमारे अंग्रेजी के टीचर के बेटे प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट का कि अगर फ्री फायर खेला तो अनसब्सक्राइब। अब एक तरफ इन सारे कमेंट्स को पढ़कर और दूसरी तरफ झूले से गिर जाने की वजह से मैं असमंजस में था और तभी आता है कमेंट एकदम खतरनाक टॉक्सिक भैया का, वो भी एकदम नए और खतरनाक स्टाइल का फॉन्ट लगा के, मेरे साथ फ्री फायर मैक्स खेलो। और गई जब फ्री फायर मैक्स का नाम देखने के बाद जो कि इंडिया वर्जन है फ्री फायर का, हमको लगा कि ये तो मस्त प्लान है। और अब हम यहाँ से शुरू करते हैं फ्री फायर मैक्स का ट्रायल थोड़ी सी बकबक के बाद। तो गाइस जब इतना ज्यादा कमेंट आने के बाद हम रोज फ्री फायर खेलें तो भी सही नहीं है और कभी ना खेलें तो भी सही नहीं है, और इसीलिए हम ढूंढ के निकालते हैं बीच का रास्ता फ्री फायर मैक्स। और हम फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही मांग लेता है पूरे 10 MB का अपडेट। और अपडेट को भरने से डाउनलोड करके भरने से पहुंचते हैं फ्री फायर मैक्स की लॉबी में। तो गाइस जहां पे गेम तो होता है फ्री फायर मैक्स और बाकी सब कुछ कम होता है, इसीलिए ग्राफिक्स से लेकर सेंसिटिविटी तक सब कुछ कर लेते हैं मैक्स। ये देखो ग्राफिक्स में जाकर ग्राफिक्स को कर लिया मैक्स, और उसके बाद हाई रिजोल्यूशन मैक्स, शैडो मैक्स, फिल्टर मैक्स और सब कुछ मैक्स मैक्स मैक्स। और सब कुछ मैक्स करने के बाद बुला लेते हैं आदर्श भैया मैक्स को, मैक्स नहीं है वो आई है, खैर वो सब छोड़ो गाइस। यहाँ पे हमने लगा लिया द्वितीय श्रेणी का डुओ मैच और मैच स्टार्ट होते ही बजने लगता है डीजे राजेश का गाना, बिल्ला चाओ बिल्ला चाओ बिल्ला चाओ 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 चाओ। चल अरे झूठ नहीं बोल रहे हैं, खुद से सुन लो। तो भाई गाना सुनने में बहुत मजा आया तो हमने सोचा मैच खेलने में और ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे पबजी में तो केवल एक बटन होता है जंप करने वाला, लेकिन यहाँ पे होता है कि स्केटिंग का बटन, एक पैराशूट का बटन, एक एक्सीलेटर का बटन। तो अब हम स्केटिंग को ऊपर करके और मुंडी को नीचे करके लैंडिंग कर रहे हैं और बगैर में पैराशूट का ऑप्शन आ रहा है उसको नहीं ओपन करूंगा। जब ये साला तो विदाउट परमिशन स्केटिंग को फेंक के पैराशूट खुद से खोल लिया। कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे देखो सामने है ब्रिज और ब्रिज के नीचे है गन और हम डायरेक्ट गन के ऊपर लैंडिंग करते हैं और हमको मिल जाता है ऊजी। लेकिन ऊजी में स्कोप लगाने के लिए स्कोप नहीं मिलता क्योंकि ऊजी में स्कोप लगता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे देखो अब सामने है बहुत सारे बंदे, लेकिन उससे पहले हमको फ्री फायर का कॉइन मिल गया चिल्लर के रूप में और इसका क्या यूज है मुझे नहीं पता है। और इसी के साथ हमको मिल गया एक ऐसा गन जिसमें रेड डॉट स्कोप लगता है जिसको हटाकर हम 2x भी लगा सकते हैं। तो 2x को लगाते हैं और मैक्स वाला सेटिंग के साथ इसका क्लच कर देते हैं। और ये बंदा जिसको मैंने मारा ये बहुत ही ज्यादा पीरो था, बहुत ही खतरनाक जिगल दे रहा था और अटैक स्कोप से मेरे हेड पे हेडशॉट मारने वाला था, लेकिन उससे पहले हमने इसको मार दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ई देखो उजे में बिना स्कोप लगाए उजी वाली गन को पीछे रख के और नीचे वाली गन को ऊपर करके इस बंदे को निहुरा दिया। और गाइस जब यहाँ पर आएंगे कुछ ऐसे लोग जो मुझे नूब समझते हैं और वो बोलेंगे कि ये बोट है, तो बताओ भैया तुम बोट हो? देख लो गाइस जिसका नाम है माई नेम इज जेप। और अब इस जेप को जो बोट समझ रहा था, जब जेप की पेटी लूटने के बाद हम हो जाते हैं सेब, हमको मिल जाता है कुछ मशहूर मशहूर गन और उसी के साथ मिल जाते हैं महा मशहूर मशरूम जिसको हिंदी में बोलते हैं कुकुर मुत्ता। मशरूम का यूज करने के बाद हम हो जाते हैं मैक्स से अल्ट्रा प्रो मैक्स। और अब हमारे अल्ट्रा प्रो मैक्स बनने की वजह से एक बंदा फिर से हमसे चिढ़ने लगता है और हमसे जलने लगता है, तो इसको हम जलाएंगे नहीं, डायरेक्ट निहुराएंगे और मैक्स की लॉबी में पहुंचाएंगे फ्री फायर मैक्स। अरे भैया यहाँ पर निहुर के का कर रहे हो तुम, जाओ डायरेक्ट लॉबी में। अबे मर गया का पहले से?
और गाइस जब हम मारना चाह रहे थे बहुत ज़्यादा बंदे, लेकिन यहाँ पे बंदे आ नहीं रहे थे और इसीलिए हमको लग रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा, इसीलिए हम आते हैं और चरपहिया में बैठ के चरपहिया चलाने लगते हैं। क्योंकि गाइस चाहे जो भी हो, अगर आपको गुस्सा आए तो गुस्से को बोलना चाहिए, कंट्रोल कंट्रोल। गाइस जब हम गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हम भी बोलते हैं नाना पाटेकर की तरह कंट्रोल 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 बहुत बार बोलते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए हम सेटिंग को खोलते हैं और मैक्स वाली सेटिंग को फिर से मैक्स कर देते हैं और फिर गाड़ी को लेकर आते हैं फ्री फायर के उड़न खटोला के पास, क्योंकि उड़न खटोला चाहे जहां पर हो हमको बहुत मजा आता है, इसीलिए उड़न खटोला के यूज करते हैं। उसके बाद देखो हम भी पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह इस तार पर लटक जाते हैं और उसके बाद इस तरफ से उस तरफ जाने लगते हैं। और गाइस जब हम सोच रहे थे कि अगर बीच से कूद जाएंगे तो क्या होगा, तो हमने सोचा कहीं मर ना जाए, इसीलिए हम थोड़ा और आगे जाते हैं। और गाइस इधर थोड़ा दर्द कम होते हुए इसीलिए जय श्री राम बोलते हैं, उसके बाद यहाँ छलांग लगा देते हैं और कूदने के बाद श्री राम के नाम से हनुमान की पावर आती है, इसीलिए हमारा जो हेल्थ होता है वो केवल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो सामने वाला बंदा होता है इसका हेल्थ पूरा खत्म करने के लिए हम आगे चढ़ जाते हैं M249 लेकर। और M249 महान ऑटो गन जिसमें 100 गोली रिलोड होता है, उससे मारते हैं हेडशॉट। और अब इतना क्लच और 1 2 3 4 नहीं पूरे के पूरे 7 किल करने के बाद भी हमारा टीममेट हमारी बड़ाई नहीं करता और खुद मॉन्स्टर वाला ट्रक लेकर के यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ टहल रहा होता है, तो हमारे पास होता है एकदम खतरनाक तलवार और खंजर, और खंजर से मारते हैं धाय 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 और इसका मॉन्स्टर वाला ट्रक भी हो जाता है धाय धाय ब्लास्ट और हम अपने टीममेट का गाड़ी ब्लास्ट कर देते हैं, इसलिए हमारा टीममेट हमसे गुस्सा हो जाता है और भागा जा रहा होता है। तभी सामने से एक बंदा हेडशॉट मारता है, उसके बाद ही निहुर जाता है, उसके बाद हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, तो हम इसका हेल्प मदद और इसको रिवाइव करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। साला बैटमैन हमको भी मार देता है गिरोजा से, वो भी केवल एक गोली में, क्योंकि फ्री फायर है और फ्री फायर में जिसका लेवल ज्यादा उसका डैमेज भी ज्यादा। अरे बात का घंटा सही है, वो तो हमारी सहूलियत है कि हम बाहर जाके दूसरा मैच लगाए और बहुत मेहनत से फिर से 1 2 नहीं पूरे के पूरे 7 किल कर चुके हैं और अब की बार हमको मैच जीतना है। इस तरह का स्प्रे इतना खतरनाक किल देखो आप लोग। इसाला मरता का है नहीं, ये पतंजलि का चौमपराश खा के आया है का? अब आप ही लोग बताओगे जी कितना नाइंसाफी, अगर ज्यादा लेवल वाला बंदा मारे तो हम एक गोली मर जाते हैं, हमने पूरा 60 का 60 गोली मारा, साला मरा नहीं, अब की बार मरेगा, रुक रुक। चलो फाइनली ये तो मर गया और हमारे हो गए 8 किल और ही रहा सामने एक और चप्पड़ गंजू। और गाइस यहाँ पे देखो मैंने ना स्किन वगैरह सब कुछ खरीद लिया, इतना खतरनाक पेटी बनाते हैं कि क्या ही बोलें। ये देखो सामने वाले बंदे को ऐसा खतरनाक मारेंगे कि इसका बन जाएगा आइसलैंड, वो भी आइस का। अच्छा ऐसे नहीं मरोगे, एकेएम में लगाएंगे जब 4x तो तुम हो जाओगे पीला और हम हो जाएंगे नीला। पीला नीला होने से पहले तुम तो लॉबी सिधार गए। चलो कोई और नमूना ढूंढते हैं और उसके ऊपर नीला पीला वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। रुक साले रुक रुक रुक, अबे साला गन रिलोड कर रहा है कि कार रिलोड कर रहा है भाई? तेरा तो गेम बजाना, गेम नहीं इसका मुंडी बजाना पड़ेगा। ई लो, और गए जब बचे हैं आखिरी के 5 बंदे जो कि नहीं होंगे नंगे, क्योंकि 2 तो हम ही हैं 5 में से और हमने पहने कपड़े, तो वो लोग भी पहने होंगे कपड़े, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा और पता नहीं क्या क्या बहुत फ्री मिल जाता है। तो कुछ भी, अबे कहाँ चला गया, लुकम छुपाई मतलब छुपम लुकाई, लुका छिपी खेल रहा है का? Nope. नहीं खेल रहे हो तो आगे आओ और इस तरफ आके ई लो, बिना स्कोप के हेडशॉट और बिना चिकन डिनर के बुया। और गाइस फाइनली हमको बुया मिल चुका है पूरे का पूरे आधा सर्वर खत्म करके 31 किल करने के बाद। और गाइस अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा इसका मतलब आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। और हाँ अगर आप पबजी प्लेयर हो तब भी वीडियो को डिसलाइक नहीं करोगे, क्योंकि ये फ्री फायर नहीं है, ये है फ्री फायर मैक्स।